तो पार्टनर है तुम्हारा जी। सो फाइनल मैच आज प्ले किए थे, एग्जीबिशन मैच, सो व्हाट यू से व्हाई, बिकॉज एक लॉन्ग करियर था टेनिस का, अब वो मिस हो रहे थे क्या? लॉन्ग करियर था सानिया मिर्जा का, सो अपकमिंग डेज में वो मिस हो रहे थे आप? गोइंग टू मिस? ऑब्वियसली यस, इट्स बीन 30 इयर्स से हम खेल रहे हैं टेनिस, वो टेनिस खेल रही है और 20 साल से तो प्रोफेशनल टेनिस खेल रही है, तो एक जिंदगी बन जाती है जो कि अब चेंज हो गई उसके लिए भी और हमारे लिए भी, लेकिन कोई ना कोई और निकलेगा सानिया जैसा, शायद उससे भी बेहतर निकलेगा और कोशिश हमारी यही रहेगी। आज बात करते हैं सानिया मिर्जा, थोड़े बोले थे लाइक पेरेंट्स के बारे में बताए थे, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट बहुत है मेरे को बोल के थोड़ा टेनिस में बिना पेरेंटल सपोर्ट के बहुत मुश्किल है और पेरेंट्स को साथ देना ही होता है। सो फाइनली कल कुन्व्याखल जैसे निन्न सानिया मिर्जा, సానియా లాంటి వ్యక్తి మరోసారి రాదు ఈ ప్రపంచంలో ఈ వరల్డ్ లో అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. వై? బికాస్ అంటే దేశంలో అటువంటి సదుపాయాలు లేవు టెన్నిస్ కి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. వాట్ యు సే దీని గురించి? ఐ యామ్ రైట్, యు హావ్ టు. సో సానియా మిర్జా కల్ బోలే థే, సానియా మిర్జా జైసే లడ్కి ఫిర్ నహీ ఆతీ, వై బికాస్ టెన్నిస్ కో ప్రయారిటీ నహీ థా ఇండియా మే బోల్ కే బోలే థే. వాట్ యు సే? या आई थिंक आज सानिया मिर्जा की वजह से काफ़ी लोग टेनिस में आए हैं, लेकिन वो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं 6 महीने में, 1 साल में। ये मेरा हमेशा ये कहना है कि 10 साल तो उन्हें खेलना पड़ता है, जिससे उसके बाद पता चलता है कि उन्हें चांस है कि नहीं, उसके बाद और 5 साल की लगन लगती है, तो 15 साल देने होते हैं, अगर आप तैयार हो तो बन सकते हैं। अपकमिंग डेज में आपका सपोर्ट रहता है सानिया मिर्जा का? सानिया मिर्जा को रहेगा और हर टेनिस प्लेयर को रहेगा जो बनना चाह रहे हैं टेनिस प्लेयर। सो सानिया मिर्जा गारी फादर अंटना, मा सपोर्ट एपड़ू उंटुंदी सानिया मिर्जा की, सो तपनसरिगा सपोर्ट इस्तामनि चेप्पडं जरुगुतुंदी।